क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए अभी हम आ चुके हैं एक एप्लीकेशन पर, जहां पर हम कम से कम चार्ज पे यहां पर क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो अभी मैं एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूं। अगर आपको जानना है ये कौन सा एप्लीकेशन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा और यहाँ पर कैसे कार्ड को ऐड किया जाता है और बैंक को ऐड किया जाता है सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके पहले देख सकते हैं उसको। तो अभी मैं ट्रांजेक्शन करने के लिए अमाउंट को डाल चुका हूँ, यहाँ पर मुझे रिव्यू भी दिखा चुका है और मैं कार्ड भी सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोलेगा, जिसके लिए मुझे ज़रूरत होगा कार्ड का CVV नंबर। तो यहाँ पर मैं डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट अभी मेरा प्रोसीड पे जा चुका है। यहाँ पर बैंक का पेज ओपन हो चुका है, जो कि मेरा कार्ड था एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक की तरफ से मुझे OTP भी रिसीव हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर OTP को डाल दिया और कन्फर्म पर क्लिक किया। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको भी यहाँ पर कम से कम चार्ज पे क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करना है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन और ट्रांजेक्शन पर आपको कैशबैक भी मिलता है, 3 से 5 हज़ार ऐसा कुछ कर लेते हैं ट्रांजेक्शन तो यहाँ पर आपको 50 से 100 रुपया कैशबैक आसानी से मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज़रूर ट्राई कीजिए। क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए अभी हम आ चुके हैं एक एप्लीकेशन पर, जहां पर हम कम से कम चार्ज पे यहां पर क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो अभी मैं एप्लीकेशन को ओपन कर चुका हूं। अगर आपको जानना है ये कौन सा एप्लीकेशन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा और यहां पर कैसे कार्ड को ऐड किया जाता है और बैंक को ऐड किया जाता है सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके पहले देख सकते हैं उसको। तो अभी मैं ट्रांजेक्शन करने के लिए अमाउंट को डाल चुका हूँ, यहाँ पर मुझे रिव्यू भी दिखा चुका है और मैं कार्ड भी सिलेक्ट कर चुका हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पर पेमेंट करने के लिए बोलेगा, जिसके लिए मुझे ज़रूरत होगा कार्ड का CVV नंबर। तो यहाँ पर मैं डाल के प्रोसीड पर क्लिक कर चुका हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट अभी मेरा प्रोसीड पे जा चुका है। यहाँ पर बैंक का पेज ओपन हो चुका है, जो कि मेरा कार्ड था एक्सिस बैंक का। तो एक्सिस बैंक की तरफ से मुझे OTP भी रिसीव हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर OTP को डाल दिया और कन्फर्म पर क्लिक किया। तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो ट्रांजेक्शन यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको भी यहाँ पर कम से कम चार्ज पे क्रेडिट कार्ड टू बैंक ट्रांसफ़र करना है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन और ट्रांजेक्शन पर आपको कैशबैक भी मिलता है, 3 से 5 हज़ार ऐसा कुछ कर लेते हैं ट्रांजेक्शन तो यहाँ पर आपको 50 से 100 रुपया कैशबैक आसानी से मिल जाता है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके ज़रूर ट्राई कीजिए।